गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट व्यवसाय प्रशासन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत प्रबंध के कार्य, इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है नियोजन। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य माना जाता है। सामान्य अर्थों में नियोजन का अभिप्राय क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है और किसे करना है, यह नियोजन का सामान्य शब्दों में अर्थ लगाया जाता है। नियोजन से पहले पूर्वानुमान किया जाता है, फॉरकास्टिंग, और उसी के आधार पर नियोजन किया जाता है। नियोजन की विशेषताओं में अपन देखते हैं कि नियोजन एक प्रक्रिया है, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, नियोजन निरंतर चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है, नियोजन मूलतः चयनात्मक माना जाता है, नियोजन अनिश्चितताओं को निश्चितता में बदलता है, नियोजन उद्देश्य की पूर्ति में मदद करता है, नियोजन सर्वव्यापक है, नियोजन प्रबंध की क्रियाओं का समूह है तथा यह निर्णय से भिन्न माना जाता है। उपक्रम में मितव्ययता, कार्यों का मापन, साधनों का सदुपयोग, कुशलता में वृद्धि, निश्चितता, समन्वय, कार्यक्रम तैयार करने तथा विकास करने की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से नियोजन का निर्माण किया जाता है। उद्देश्य, नीतियां, कार्य प्रणाली, रीति या विधि, नियम, पूर्वानुमान, बजट, व्यूहरचना तथा कार्यक्रम नियोजन के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। नियोजन के तत्वों में अपन शामिल करते हैं उद्देश्य, नीतियां, कार्य प्रणाली, रीति या विधि, नियम, पूर्वानुमान, बजट, व्यूहरचना तथा कार्यक्रम। ये नियोजन के प्रमुख तत्वों में शामिल किए जाते हैं। नियोजन अवधि के आधार पर नियोजन अल्पकालीन एवं मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृति का होता है, और अगर प्रकृति के आधार पर नियोजन को बांटा जाए तो स्थायी एवं अस्थायी नियोजन होता है। नियोजन स्तर के आधार पर उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, और अगर महत्व के आधार पर नियोजन को देखा जाए तो विस्तृत, व्यूहरचनात्मक एवं संचालात्मक नियोजन के रूप में माना जाता है। प्रभावशाली नियोजन के निर्माण के लिए नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। नियोजन की जो प्रक्रिया है वही नियोजन वाले चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं, किसी संस्था में अगर नियोजन किया जाता है तो नियोजन प्रक्रिया के जो प्रभावी कदम हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है। इन प्रभावी कदम में कौन कौन से कदम अपन शामिल करते हैं, इसमें उद्देश्यों का निर्धारण, सबसे पहले नियोजन प्रक्रिया अगर अपन नियोजन करते हैं तो सबसे पहला कदम होगा उद्देश्यों का निर्धारण करना, इसके बाद में तथ्यों का संग्रह करना, तथ्यों का संग्रह करने के बाद में तथ्यों का विश्लेषण, एनालिसिस, तथ्यों का एनालिसिस करना, इसके बाद में अगला स्टेप है मान्यताओं का निर्धारण करना, और फिर उसके बाद में विकल्पों का विकास करना। विकल्पों का विकास करने के बाद में जितने भी विकल्प उपलब्ध होते हैं उन सभी विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर उसके बाद अगले कदम में मूल्यांकन के बाद श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है और सहायक योजनाओं का निर्माण किया जाता है, यानी मुख्य जो योजना होती है उसकी सहायक योजना भी बनाई जाती है, और सबसे अंत में अंतिम जो स्टेप है नियोजन प्रक्रिया का वह है अनुवर्तन, फॉलोअप। अर्थात इस प्रक्रिया के अंतर्गत अपन यह देखते हैं कि जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं आपके नियोजन के आधार पर, उन उद्देश्यों को अपन ने
कहाँ तक प्राप्त किया है, अनुवर्तन के अंतर्गत यह देखा जाता है। अगर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस हुई है तो कारण खोजे जाते हैं कि क्या कारण है जिनके कारण से अपन अपना नियोजन के समय उद्देश्य जो निर्धारित किए थे वो अपन प्राप्त नहीं कर सके। तो ये नियोजन प्रक्रिया के प्रभावी कदम होते हैं। नियोजन का क्षेत्र भी विस्तृत होता है। नियोजन के क्षेत्र में अपन दो भागों में इसको बांट सकते हैं। बाहरी तत्व, अर्थात बाहरी तत्व में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, विधिवत एवं प्रतिस्पर्धात्मक तत्व। ये संस्था के बाहरी तत्व नियोजन के क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं, अर्थात इन तत्वों पर संस्था का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। उनके अनुसार संस्था का नियोजन बनाया जाता है, प्लानिंग तैयार की जाती है। दूसरा भाग है आंतरिक तत्व। आंतरिक तत्व अर्थात आंतरिक क्रियाएं जैसे विक्रय, उत्पादन सामग्री, वित्त एवं मानवीय शक्ति के संयोजन को कहा जाता है। आंतरिक तत्व संस्था की आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रमुख रूप से शामिल होता है विक्रय होता है, उत्पादन सामग्री होती है, उत्पादन होता है, सामग्री होती है, वित्त होता है एवं मैन पावर मानवीय शक्ति होती है। इन सभी को मिलाकर के अपन आंतरिक क्रियाएं या आंतरिक तत्व कहते हैं। इनके ऊपर संस्था का नियंत्रण होता है जिससे वह संस्था बदलाव कर सकती है, अपने नियोजन के अनुसार उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। वास्तविकता तो यह है कि नियोजन सर्वव्यापक है तथा इसकी सभी प्रबंधकीय कार्यों में आवश्यकता होती है। नियोजन को सर्वव्यापक माना जाता है। प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी में नियोजन की आवश्यकता मानी जाती है। आगे इसमें देखते हैं श्रेष्ठ नियोजन के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं, यानी संस्था में सबसे अच्छा नियोजन अपन तैयार करें तो इनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें अपन देखते हैं उद्देश्यों का निर्धारण, सरलता, लोचशीलता, निरंतरता, व्यापकता, मान्यताएं, समन्वय, न्यायोचितता, समय अनुकूलता, मितव्ययता, प्रयोगीकरण, संप्रेषण तथा परिवर्तन की स्वीकृति, सहभागिता तथा वायदे का नियोजन प्रमुख बातें शामिल होती हैं। इन्हीं को प्रभावशाली नियोजन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात प्रभावशाली नियोजन के जो सिद्धांत हैं उनमें भी अपन उद्देश्यों का निर्धारण, सरलता का सिद्धांत, लोचशीलता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, न्यायोचितता का सिद्धांत आदि, इन्हीं को अपन नियोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल करते हैं। नियोजन के क्या लाभ होते हैं तथा क्या दोष होते हैं? नियोजन के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। अनिश्चितताओं में कमी, अर्थात नियोजन भविष्य से संबंधित बनता है, भविष्य अनिश्चित होता है और नियोजन के माध्यम से अपन भविष्य की अनिश्चितताओं में कमी कर सकते हैं। साधनों का अधिकतम उपयोग, जो संस्था में उपलब्ध साधन होते हैं उनका अपन अनुकूलतम प्रयोग कर सकते हैं। उपक्रम का मितव्ययतापूर्ण संचालन, समन्वय में सहायता, संगठन की प्रभावशीलता में वृद्धि, प्रबंध की क्षमता में वृद्धि, उपक्रम की संपूर्णता का ज्ञान संभव, प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार, नियंत्रण में सुगमता तथा उतावले निर्णयों पर रोक। नियोजन अगर किसी संस्था में किया जाता है तो ये प्रमुख बिंदु है जो एक संस्था के लिए लाभदायी माने जाते हैं। इसके विपरीत नियोजन की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं होती हैं या नियोजन इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसमें कुछ दोष माने जाते हैं। इसमें जैसे इसमें
लागत बहुत अधिक होती है। नियोजन के कारण कॉस्ट है वह अत्यधिक बढ़ जाती है। दूसरा दोष संग्रह किए गए तथ्यों में विश्वसनीयता का अभाव माना जाता है। जो आपने तथ्य संग्रह किए हैं भविष्य के लिए, उनमें विश्वसनीयता का अभाव भी इसके दोष में शामिल किया जाता है। नियोजन का निर्माण करने में समय अधिक लगता है, अर्थात समय टाइम जो है इसके निर्माण में अत्यधिक लगता है। इसमें प्रबंधकों एवं अन्य कर्मचारियों के पहलपन की शक्ति में कमी आती है। इसका अगला दोष बुद्धिमत्ता के अभाव में अच्छे नियोजन का निर्माण संभव नहीं है। इसका व्यवहारिक मूल्य सीमित है तथा लास्ट इसमें अपन अध्ययन करते हैं कि इसमें प्रबंधकों एवं अन्य विशेषज्ञों की हिस्सेदारी का अभाव पाया जाता है। अर्थात नियोजन जिनके द्वारा नियोजनकर्ताओं के द्वारा किया जाता है वो किसी अन्य विशेषज्ञ या उनकी हेल्प नहीं लेने के कारण इसमें उनका सहयोग नहीं माना जाता है। ये नियोजन के लाभ एवं दोष का अपन ने अध्ययन किया। अपन ने शुरू में चर्चा की थी कि नियोजन से पूर्वानुमान होता है, अर्थात नियोजन का मुख्य आधार पूर्वानुमान होता है, फोरकास्टिंग होती है, उसी के आधार पर अपन नियोजन अपनाते हैं। नियोजन करने से पूर्व पूर्वानुमान किया जाता है क्योंकि यह नियोजन की आधारभूत मान्यताओं को स्थापित करता है, भविष्य को व्यवस्थित करता है, अनिश्चितताओं में कमी लाता है, प्रक्रिया को सरल बनाता है तथा भविष्य की व्यवस्था का आधार प्रस्तुत करता है। इसीलिए ही हेओल ने नियोजन को विभिन्न पूर्वानुमानों का सम्मिश्रण कहकर पुकारा है। पूर्वानुमान की अनेक विधियां प्रचलन में हैं। इसमें सर्वेक्षण विधि पूर्वानुमान के अंतर्गत सबसे पहली और महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। सर्वेक्षण विधि जिसमें प्रश्न पूछकर या साक्षात्कार द्वारा व्यवहार का पता लगाया जाता है। अवलोकन डेल्फी विधि जिसमें विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। विचार मंथन विधि जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के विचारों से सहमति उभर कर आती है, यह पूर्वानुमान होता है। आगत निर्गत विधि, काल श्रेणी विश्लेषण एवं अर्थ गणितीय विधि जिसमें विभिन्न चलों के माध्यम से संबंधों को गणितीय मॉडल के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। तो ये है नियोजन के अंतर्गत अपन ने अध्ययन किया। नियोजन के अर्थ, विशेषताएं, प्रक्रिया, श्रेष्ठ नियोजन के गुण, नियोजन के लाभ एवं दोष तथा पूर्वानुमान की विधियाँ।